हेलो एवरीवन, इसके पहले लेसन में मैंने आपको शेडिंग पेंसिल्स के बारे में बताया था। लाइट शेड के लिए कौन सी पेंसिल यूज़ की जाती है, डार्क शेड के लिए कौन सी पेंसिल यूज़ करेंगे, लाइट सोर्स के अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्ट को शेड करेंगे। लाइट अगर साइड से आती है तो आप साइड पार्ट को लाइट रखेंगे, लाइट सोर्स अगर आपका टॉप पर है तो टॉप वाले पार्ट को आप लाइट शेड करेंगे। लाइक दिस, लुक एट द पिक्चर। अलग अलग तरह की शेडिंग हैचिंग्स शेडिंग टेक्निक्स होती हैं, लाइक हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्टेपलिंग। ओके, टुडे वी आर लर्न अबाउट द बेसिक ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग। व्हाट इज पर्सपेक्टिव? पर्सपेक्टिव किसी भी ऑब्जेक्ट को टू डायमेंशनल सरफेस पर दिखाने का मेथड है। कोई भी चीज़ जो बड़ी दिखाई देती है वो पर्सपेक्टिव की वजह से ही दिखाई देती है। पर्सपेक्टिव किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी को भी दर्शाता है, जैसे पास वाली चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं, दूर वाली चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं, जैसे ट्रेन की पटरी, ट्रेन, इलेक्ट्रिक पोल्स, ट्रीज। आप देख रहे हो ट्रीज, ये देखो जितना दूर जाता है वो एक पॉइंट पर मिलते हुए दिखाई देता है, ठीक है ना। तो दूर वाले ट्रीज कैसे हैं? स्मॉल। और आगे जाते जाते पास वाले ट्री हमें बड़े दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स आप देखते हैं तो जो जितने दूर होते हैं वो उतने ही छोटे दिखाई देते हैं, और जितने पास में आते हैं वो उतने ही बड़े दिखाई देते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग को रियलिस्टिक दिखाने में या रियलिस्टिक बनाने में पर्सपेक्टिव हेल्प करता है। लुक एट द पिक्चर। आप जैसे बॉक्स की ड्राइंग बनाते हो, आप देख रहे हो, तो पर्सपेक्टिव को ध्यान रख के ड्राइंग बनाएंगे तो आपकी ड्राइंग बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ये टू पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना। तो पर्सपेक्टिव के टाइप्स होते हैं, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, टू पॉइंट और थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। क्लियर? लुक एट द ड्राइंग, दिस इज पर्सपेक्टिव कंपोजिशन। आप देख रहे हो इस ड्राइंग के अंदर बिल्कुल पर्सपेक्टिव का ध्यान रख के इसको ड्राइंग को कंप्लीट किया है, ठीक है। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है, आप देखते हो दूर वाले ट्रीज स्मॉल है और पास आते हुए ये बड़े हो गए। ऐसे हाउसेज भी आप देख लो, दूर वाला हाउस स्मॉल और पास जो हाउस है वो बड़ा बताया है। तो आपका होमवर्क है, ड्रॉ पर्सपेक्टिव कंपोजिशन इन वाइट प्लेन पेज ड्राइंग बुक एंड कंप्लीट। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर लर्न अबाउट कलर्स, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स आर रेड, येलो, ब्लू, दीज आर प्राइमरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स ऑरेंज, ग्रीन, वायलेट। टू प्राइमरी कलर्स को ऐड करके जो कलर बनता है वो होता है सेकेंडरी कलर। लाइक रेड प्राइमरी कलर है और येलो भी प्राइमरी कलर है, दोनों को मिलाने से जो कलर बना वो है ऑरेंज। नेक्स्ट येलो और ब्लू, दोनों प्राइमरी कलर हैं येलो और ब्लू, इनको मिक्स करने से बनेगा ग्रीन कलर। और रेड और ब्लू दोनों प्राइमरी कलर को मिक्स करने से जो थर्ड कलर बनता है वॉयलेट, वो है सेकेंडरी कलर। इसको हम कलर व्हील के थ्रू समझेंगे। लुक एट दिस कलर व्हील, प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर्स। रेड येलो, रेड भी प्राइमरी कलर है और येलो भी प्राइमरी कलर है, तो इन दोनों को मिक्स करके आपका कौन सा कलर बन रहा है? ऑरेंज कलर। इसी तरह से आपने ऐसे इसको कलर व्हील को टर्न किया, अब आप देख रहे हो ब्लू और येलो ये भी प्राइमरी कलर है दोनों, इनको मिक्स करके बना ग्रीन। और इसको ये देखो, रेड और ब्लू ये दोनों प्राइमरी कलर है, इनको हमने जब मिक्स किया तो बना वायलेट। ओके स्टूडेंट, योर होमवर्क इज ड्रॉ दीज डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स इन वाइट प्लेन पेज ड्राइंग बुक एंड शेड। वाइट प्लेन पेज ड्राइंग बुक में आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स ड्रॉ करने हैं और उनको शेड करना है, शेडिंग। ओके, लाइट और डार्क टोन का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, लाइट पार्ट,
डार्क पार्ट, और इस तरह से आपको इनको शेड करके कंप्लीट करना है। क्लियर?